ये चालू है क्या? ये चालू? हाँ डाल दे। जय माता रानी। हाँ जी, तो ये है बालाघाट का वैनगंगा ब्रिज। वैनगंगा नदी है ये, महाराष्ट्र में भी टच करती है, कहीं कहीं पे टच करती है। काफी बड़ी नदी है ये वैनगंगा नदी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग सित मम्मी। सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है और आप भी सेफ रहिए। और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। उसका कुछ रीज़न था, वो कल के ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। ये बालाघाट में हम लोग चाट खाने के लिए रुक गए थे, वारासूनी से निकल चुके हैं मेरे होम टाउन से। फिर आता है बालाघाट, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट, ये है रास्ता। इसके बाद हम लोग मलाजखंड रोड होते हुए जा रहे हैं कवर्धा, क्योंकि हम अब कवर्धा में ही रहेंगे। पहले भी हम कवर्धा में रहते थे। वैसे तो मेरी ससुराल दिल्ली की ही है, पीछे से हम लोग अमृतसर से बिलोंग करते हैं, सारे रिलेटिव्स पंजाब में ही हैं। बट कुछ इनके नानके के कुछ रिलेटिव्स भिलाई छत्तीसगढ़ दुर्ग में भी हैं, धमतरी में भी हैं, रायपुर में भी हैं। और कवर्धा में स्वीटू ने पहले जैगरी का बिजनेस किया था, तो हम वैसे भी पहले कवर्धा रहे हैं और अब फिर से कवर्धा में रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ बीच में कितनी प्यारी प्यारी वादियाँ पड़ती है। यहाँ पर मतलब बावन घाटी पड़ती है, इसके बाद चिल्पी घाटी पड़ती है। बहुत प्यारा ऑसम व्यू रहता है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी कभी डिटेल में रुक रुक के। अभी तो बस हल्की हल्की ना क्लिप ऐड कर दी है, क्योंकि अब तो यहीं रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। कवर्धा मेरे होम टाउन से वाराणसी से 200 किलोमीटर पड़ता है बाय बाइक। हम लोग पहले भी बाइक से आते थे, वैसे भी बाइक राइडिंग स्वीटर मुझे बहुत पसंद है। बस से थोड़ा लंबा पड़ जाता है, क्योंकि बस दूसरे रूट से आती है। और एक और चीज़, अब मैं जब मन करे मम्मी जी पापा जी से मिल सकती हूँ, क्योंकि पास में है तो पॉसिबल हो जाता है। दिल्ली से काफ़ी दूर होता है और कोविड का टाइम है, अब तो ओमिक्रॉन का टाइम भी बोल सकते हैं। IHU समथिंग समथिंग फ्लोरेना, पता नहीं और कौन कौन से वेरिएंट आ गए हैं। शायद हमारा देश, हमारी कंट्री फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, जो कि न्यूज़ वगैरह में दिखाता है। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं, लेकिन देख के तो यही लगता है। और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, बंदा बाहर निकलेगा तो उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है एक आम आदमी को, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास इंसान को। देखो, गरीब को तो सरकार दे देगी, अमीर के पास होता है, मेन चीज़ होती है। मिडिल क्लास में भी प्राइवेट, मिडिल क्लास में अगर आप सरकारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है जी। सरकारी गवर्नमेंट को तो सरकार बैठा के देगी देगी, पूरा पैसा देगी, कुछ नहीं काटेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत। मतलब लॉकडाउन जब लगता है ना, तो जो सारी दिक्कतें होती हैं, वो इकलौता प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला, वो भी प्राइवेट सेक्टर में मतलब मिडिल क्लास वर्ग से बिलोंग करने वाला बंदा, वो डिफ़िकल्टी शेयर मतलब हैंडल करता है। और किस तरीके से करता है वो जितने भी लोग होंगे समझ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो सरकार देगी ही देगी, गरीब को भी सरकार देगी, मरना हो जाता है मध्यम वर्गीय प्राइवेट इंसान का, मिडिल क्लास का। हाँ जी, अभी जो आपको पानी दिख रहा था ना, पानी वाला जो व्यू था, वो यहाँ पे इको पार्क है, उसका नाम है गांगुल पारा, बहुत फेमस है। काफ़ी लोग मतलब पिकनिक स्पॉट है, लोग आते हैं। और यही रोड कान्हा नेशनल पार्क की तरफ से जाता है, जो मतलब मुक्की गेट है ना, मुक्की गेट, तीन चार गेट लगते हैं यहाँ से। कान्हा नेशनल पार्क जैसा कि सभी जानते हैं MP में है, उसके कुछ रूट छत्तीसगढ़ बॉर्डर से भी मतलब गेट आते हैं, इधर से भी आते हैं। तो ये भैयर मलाजखंड रोड है, इसी रोड के थ्रू आप कान्हा नेशनल पार्क भी अगर विजिट करना चाहें तो जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़, रिजॉर्ट वगैरह बहुत कुछ है। और काफ़ी मतलब अगर आप थीम से रिलेटेड कुछ करना चाहते तो वो सारी फैसिलिटी भी वहाँ पे है। कभी पॉसिबल हो पाया, पॉसिबल क्या, कभी ना कभी तो जाऊँगी तो आपसे कान्हा नेशनल पार्क का एक व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और कभी ना कभी गांगुल पारा तो बहुत पास में, कभी आते समय आपसे शेयर करूंगी। अभी तो कोविड की वजह से ना उन्होंने गेट बंद कर रखा है, लोगों को एंट्री नहीं है। और ये देखिए, बारिश के समय ना यहाँ पे नीचे बादल आ जाते हैं, तो ये जो आपको पीछे से दिख रहे हैं ना पहाड़ आगे पीछे, तो वो बादल बहुत बहुत ज़्यादा ही ऑसम व्यू लगता है उनका, तो वो भी शेयर करूंगी आपसे। अब तो मतलब इतनी ग्रीनरी में आ चुकी हूँ ना कि बहुत कुछ शेयर करूंगी। कवर्धा में बर्फ़ भी गिरती है ठंड में, मतलब कवर्धा के पास चिल्पी है, वहाँ पर ठंड में ना पूरी ओस की बर्फ़ जम जाती है। लोग स्पेशली चिल्पी विजिट करने जाते हैं, मतलब कवर्धा के जो लोग हैं वो तीन तीन दिनों के लिए चिल्पी घूमने जाते हैं, वहाँ रिजॉर्ट में रुकते हैं। और यहाँ पे कर्क रेखा का, अरे इतना लंबा बताऊंगी तो सारा आज ही बता दूंगी, ये आगे शेयर करेंगे, ठीक है जी। देखते जाइए कितने मतलब बहुत गहरे गहरे मोड़ हैं यहाँ पे, बड़े ध्यान से बाइक चलाना पड़ता है। वैसे आज हम बाइक से नहीं, पापा जी की स्कूटी से जा रहे हैं। पापा जी की स्कूटी मांग ली थी इस वीडियो ने, क्योंकि हमारी बाइक तो हमारे सामान के साथ मूवर्स एंड पैकर्स की टीम के साथ आएगी वो तो लोड हो चुकी है, वो वहीं पर उतरेगी कवर्धा में। तो अभी हम बाइक से जाना चाहते थे, तो पापा जी की स्कूटी ले ली, क्योंकि बस से जाते ना तो फिर जाना, घर ढूंढना, काफ़ी कुछ हो जाता। और घर वैसे भी हमारे पहचान और जो मेरे पुराने हाउस हेल्प थी ना, उन्होंने भी ढूंढ के रखे हैं, कुछ इनके फ्रेंड्स ने भी ढूंढ के रखे हैं। तो बस देखना है और फाइनल करना है, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा माथा पच्ची नहीं होगी, हेडेक वाली कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, घर उसी में से फाइनल हो जाएगा।
इतना पीसफुली खेल रहे। ओ भाई साहब वो शॉट कहाँ मारा से खुद, वो नकली रोनाल्डो कहाँ मारा से बॉल ही नहीं लगी। चलो नकली रोनाल्डो हाँ जी, हमको काफ़ी शाम हो चुकी थी, मतलब चिल्पी घाटी अभी आना बाकी है। चिल्पी घाटी क्रॉस करके इसके बाद हमने भोरमदेव रोड लिया, क्योंकि 6 बजे के पहले पहले एंट्री मिल जाती है। अगर हम 6 बजे से 5 मिनट भी लेट होते ना, हमको अंदर एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि नाइट में ना वहाँ पे शेर वगैरह आ जाते हैं। क्योंकि पास में नेशनल पार्क है, भोरमदेव अभ्यारण्य भी है, तो फिर पूरा जंगल ही जंगल है। गौ माता के भी दर्शन कर लीजिए। इसके बाद क्या हुआ था, अंधेरा होने लगा था तो मैंने मोबाइल बैग में डाल लिया था, तो इसके बाद की क्लिप नहीं मैं ले पाई, क्योंकि उसने अंधेरे में घने जंगल में क्लिप लेती भी कैसे ना अपने मोबाइल से। तो चलिए हम होटल पहुंच चुके हैं अब कवर्धा में। लिया मतलब थाली ली थी, उसमें एक मेथी मलाई पनीर था, फ्राई दाल थी, और गोभी के साथ ना छोले ऐसे मिक्स सब्जी थी, सैलेड था, पापड़ था, चपाती थी, राइस भी लाया बाद में उन्होंने। इसके बाद हम लोगों ने टीवी देखा, बातचीत की, गपशप की, जैसे कि स्वीटी में मेरा बिना बातचीत के हम लोग काफ़ी टॉकेटिव है तो काम नहीं चलता है, और हम सो गए थक के। हाँ जी, आरोग्य भेज दीजिए प्लीज। तो हम अभी आ गए हैं रूम वूम देख के, अभी फिलहाल तो हमारा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कुछ पसंद नहीं आया है, तो हम वापस अपनी पुरानी जगह आए हैं 2 साल बाद। कवर्धा में पहले हम रहते थे, ये वहाँ यहाँ का फेमस पोहा है, किसके यहाँ का बोलते हैं, दीप नाम है उसका, दीप कान्हा करके है उस बंदे का नाम, पोहा जलेबी। मतलब उस बंदे की बड़ी अच्छी स्टोरी, उसने आज से 10-12 साल पहले ना एक ठेले से शुरू किया था, और आज मेरा ख्याल है पूरे कवर्धा जिले के अंदर उसका पोहा फेमस है। उसका पोहा जलेबी सुबह से लेकर रात तक बिकता है 7-8 बजे, मतलब वो लोगों को मना करता है कि मैं नहीं ले पाऊंगा, और टेस्ट बिल्कुल आपको घर वाला लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आप होटल का खा। उसकी एक ही खासियत है, वो पोहा बनाता है एकदम लाइट, मतलब ऐसा स्पाइसी होटल जैसा नहीं कर देगा कि आपको हार्मफुल रहे, लाइट पोहा रहेगा उसका। तो अभी हम लोग पेट पूजा करेंगे, इसके बाद फिर से जाएंगे, और आज हमको वापस भी जाना है घर, तो आज हम फाइनल कर ही लेंगे, आज ही में हमको फाइनल करना आज है, हमको फाइनल करना है, हमको इतना टाइम वेस्ट नहीं। सामान भी आ जाएगा हमारा 3-4 दिनों में। तो चलिए मैं बैक कैमरे से दिखा, ये है पोहा, हम ज़्यादा ही ले आए हैं क्योंकि हम बहुत भूखे हैं। ये है जलेबी, जलेबी कुर्रम कुर्रम, और ये है ये रूम, ये मेरी फेवरेट जलेबी है, जो थोड़ी सी कड़क होती, करारी करारी, मजा आ गया ना। बाथरूम को बनाई थोड़ी सी सीपे जाती है चकाचा। चिकन चांदी और देख सेल्फ सब है, एक टोस्ट वहाँ रहेगा,
तो भाई यहाँ भले ही वो स्टोर रूम ऊपर ये तो काका रखेगा अपने पास ना, इस कमरे का बना देता हूँ। ये स्टडी रूम मेरी गुड़िया के लिए, स्टडी टेबल, ये शो पीस है, ये पूरा ये बंद रहने दे, इसको बंद ही रहने दे, बाहर से ताला है, मोटी टाइम नहीं ज़्यादा इतना, ठीक है डाल दो अंदर। घर हमने फाइनल कर लिया है, आपसे शेयर कर दिया है, और देव के लिए खिलौना भी ले लिया क्योंकि जाएंगे उसको छोड़कर आए थे, तो वो देखेगा कि पापा क्या लेके आए हैं। उसकी आदत है कि पापा मतलब उसको छोड़ के जाए तो क्या लेकर आए, दिखाना ही दिखाना पड़ता है। साठ रुपया कतक कोरी होते, एक कोरी में कतक होते, कोरी मतलब रे लड़का 40 रुपया, अतक कम मत कर अम्मा, ये 50 रुपया रख, लड़का लूट ले रहे अम्मा, कतक हो गए गिन पहली नहीं हुए अम्मा ढंग से गिन नहीं हो है वैसे बोले हम नहीं पड़े ढंग से गिन अब हाँ जी, तो स्वीटू को छत्तीसगढ़ी आती है, वैसे भी स्वीटू 4 से 5 लैंग्वेज बोल लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ी आने का रीज़न ये नहीं है कि मतलब उनका ननिहाल छत्तीसगढ़ में रहा या ऐसा कुछ, बचपन में तो उनको बिल्कुल भी नहीं आती थी, उनको काम करना पड़ा गुड़ का, जब जैगरी का बिजनेस किया था ना तो सारे किसान छत्तीसगढ़ी ही बोलते हैं यहाँ कवर्धा के, तो वो और बहुत जल्दी वो सीख लेते हैं लैंग्वेज, उनको इंटरेस्ट है, तो इस वजह से एक पंजाबी आपको छत्तीसगढ़ी बोलते हुए नजर आएगा। वैसे कवर्धा में जो हमारे सरदार भैया वगैरह हैं, सिख भैया हैं 2-3 पहचान के, आप लोगों को अभी उनका भी दिखाऊंगी व्लॉग में, क्या प्यारी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। तो लैंग्वेज का ऐसा कुछ नहीं, इंडियन लैंग्वेज हो कहीं की भी लैंग्वेज हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो बहुत जल्दी। हाँ जी, तो ये भोरमदेव वाला रोड है, इस रास्ते से भोरमदेव टेम्पल जाते हैं, छेर की महल, भोरमदेव टेम्पल, मड़वा महल, बहुत सारा ये हिस्टोरिकल प्लेस है, और भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं, आप ये चाहें तो गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, 18वीं सदी का मंदिर है, बहुत कुछ है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको तीर्थ स्थान जो मैं दिखा सकती हूँ, धीरे धीरे सारे शेयर करूँगी। वैसे भी मेरे अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मेरा भोरमदेव वाला व्लॉग शूट हो चुका है, बट ये सारे पेंडिंग थे तो पहले तो यही शेयर करूँगी, फिर ना जी मैं वो वाले भी शेयर करूँगी, ठीक है ना जी, क्योंकि फिर वो है ना कि क्रम बिगड़ जाएगा, सिक्वेंस बिगड़ जाएगा, तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा व्लॉग का, इसलिए काफ़ी लेट हो चुका है, बट सिक्वेंस वाइज ही चलते हैं। अब हम जा रहे हैं मम्मी जी पापा जी से मिलने, मतलब मम्मी जी पापा जी के पास मेरे मायके, अभी 3-4 दिन वहीं रहेंगे जब तक सामान नहीं आ जाता। ये देखिए जो 2 रास्ते जा रहे हैं ना, इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं भोरमदेव टेम्पल और शेर की महल वगैरह, और ये जो रोड पे हमारी स्कूटी चल रही है, यहाँ से आपको अभी जो मेन गेट है, जो मतलब तालाब की तरफ से जो एंट्रेंस है ना भोले बाबा का, वो दिखाई देगा, अभी शेयर करूँगी आपसे। तो हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं क्योंकि हमको अगर बालाघाट जाना है और चिल्पी घाटी क्रॉस करनी है, मतलब चढ़ना है चिल्पी घाटी पे, तो यही वाला रोड पकड़ना पड़ेगा जो भोरमदेव से बंजारी माता मंदिर तक जाता है। हाँ जी, तो आ गया तालाब तरफ का मेन गेट, 2-3 मेन गेट है यहाँ के, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हाँ जी, तो आप जो व्यू देख रहे हैं चिल्पी घाटी का व्यू है, लगता है ना औसम, और बारिश के समय तो मतलब क्या बताऊँ, आपको दिखाऊंगी मैं, बताने से मज़ा नहीं आएगा, जब आप देखेंगे ना तब आप सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी है, काफ़ी लोग घूमने आते हैं, और कान्हा पास में होने की वजह से फॉरेनर टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, उनका जमावड़ा ज़्यादा लगता है ठंड वगैरह में, क्योंकि नेशनल पार्क है और बाकी चीज़ें भी हैं, तीर्थ स्थल काफ़ी जागृत तीर्थ स्थल है यहाँ पर, और इस जगह पर बहुत सारे पिक हमने कई बार क्लिक कराई है, ये देखिए
यहाँ ऊपर चढ़ के ना सेल्फी पॉइंट है, आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, तो उसके लिए है ये। तो मैं सोचती हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, घर पहुँच के, घर से शुरुआत करेंगे। घर तो हम रात में, काफ़ी रात में पहुँचे थे, घर पहुँचते पहुँचते आई थिंक हमको शायद 11 बज गए थे या 10 बज गया था, ऐसा कुछ था, क्योंकि वहाँ से भी हम 3 बजे निकले थे ना, काफ़ी लेट निकले थे। हाँ 10-10:30 बजा था जहाँ तक याद नहीं है मुझे। तो बस ये बावन घाटी, चल पीरो डे सब क्रॉस करते करते घर पहुँचे, और घर पहुँचने के बाद क्या, फिर लंच किया, पापा जी मम्मी जी के साथ बातचीत करी, उनको घर दिखाया, और फिर कल मिलते हैं फिर बाकी के दिनचर्या के साथ, यही बोल सकती हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, सिस्टर का रोका हुआ था उसका व्लॉग भी शेयर करना बाकी है, और देवघर जाता है ना तो वो अपने बब्बा के साथ, मतलब अपने नानू के साथ ही खाना खाता है, अपने नानू को बब्बा बोलता है और मम्मी जी को मम्मी जी। यहाँ पे सिस्टर वगैरह डिनर कर रहे हैं, मैं भी बस ज्वाइन करने ही वाली हूँ। प्रिया कौर ये हंसी ही कि कभी भी क्लिप स्टार्ट कर देती है, पर क्या करे, एक व्लॉगर की लाइफ तो ऐसी ही होती है ना। और मम्मी जी को ठंड लग रही है, क्योंकि ठंड काफ़ी है भी, और उनको भी ज़्यादा ठंडे में रहना भी नहीं है। तो कल तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय माता दी, रब राखा।